अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑयल 4 टेबलस्पून। मैंने आधा किलो भिंडी ली है और उसको काट लिया है। हम भिंडी को फ्राई करेंगे। हमने इसको लाइट ब्राउन करना है भिंडी को। हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। आलू ले लिए हैं 3 अदद, उनको बारीक बारीक ऑमलेट साइज काट लिया है। इसको भी लाइट ब्राउन करेंगे। आलूओं का कलर लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे प्लेट में। 4 अदद स्लाइस प्याज भी है, इसको भी लाइट गोल्डन करेंगे हम। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, सूखा धनिया। सारी स्पाइसेस को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने जो भिंडी और आलू फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी से ज़रूर आलू भिंडी बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।